अब चलिए सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं, जो कि है द डायमीटर ऑफ द लोअर एंड अपर एंड ऑफ अ बकेट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन आर 10 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इफ इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर फाइंड नंबर वन द एरिया ऑफ द मेटल शीट यूज टू मेक द बकेट. इसी की प्रॉब्लम सेकेंड है वाई वी शुड अवॉइड द बकेट मेड बाय ऑर्डिनरी प्लास्टिक. ओके साथ साथ हमको बोला गया है कि यूज पाई इक्वल टू 3.14. तो देखिए इस क्वेश्चन को हमको करना क्या होगा, हमको एक बकेट गिवेन है जिसकी लोअर एंड अपर एंड्स के डायमीटर की वैल्यू हमको गिवेन है, ठीक है, जो कि है 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर. तो ऑब्वियसली देखें तो अपर और जो उसका लोअर एंड है वहां पर जो इसका डायमीटर है उसमें डिफरेंस है, मतलब ये जो एक शेप बनेगा वो एक कोन की तरह बनेगा, बट प्रॉपर कोन नहीं होगा, एक फ्रस्टम ऑफ कोन होगा, ठीक है. तो पहले हम इस क्वेश्चन को डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं इसमें हमको करना क्या होगा. अब देखिए यहाँ पर मैंने एक बकेट बनाया है जो कि डायग्राम में व्हाइट बोर्ड पे बना रहा हूँ तो थोड़ा क्लियर नहीं है, बट आप इसको बिल्कुल प्रॉपर ट्राई कीजिएगा, ठीक है. अब देखिए ये जो बकेट है इसमें जो लोअर एंड का डायमीटर था हमको 10 गिवन था, तो उसकी रेडियस हाफ कर दी मैंने जो कि 5 सेंटीमीटर होगी, और अपर एंड का जो डायमीटर था वो 30 सेंटीमीटर का था जिसकी रेडियस होगी 15 सेंटीमीटर. ओके और हमको इस इंफॉर्मेशन की मदद से दो इसमें जो कंडीशंस दे रखी हैं उनको सॉल्व करना है, ठीक है. तो हम वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं. तो हम मान लेते हैं ये जो रेडियस है वो हमारी आर वन है, ये रेडियस हमारी आर टू. ओके तो चलिए सॉल्व करते हैं. हम मान लेते हैं लेट आर वन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड आर टू इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आर द रेडी ऑफ द लोअर एंड अपर सर्कुलर फेसेस. इसके लिए दो सर्कुलर फेस हैं, एक अपर फेस है एक लोअर फेस है. तो यहाँ हमने आर वन को लोअर फेस की रेडियस माना है और आर टू को अपर फेस की रेडियस माना है. तो इसमें प्रॉब्लम नंबर वन हमको सॉल्व करना थी जो कि थी द एरिया ऑफ द मेटल शीट यूज टू मेक द बकेट. ओके इस बकेट को बनाने के लिए हमको कितना मेटल शीट की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा, देखिए अब यहाँ पर हमको देखकर समझ में आ रहा है कि हमको जो हमको एरिया कवर करना है तो वो एक ये नीचे वाला होगा लोअर फेस वाला और ये वाला पोर्शन होगा, राइट. और अपर फेस तो ओपन रहेगा या इसका हमको एरिया कैलकुलेट नहीं करना. तो आप इसको एक ऐसा सोचिए कि आपके पास एक जो हमारे पास एक स्टील की बाल्टी है, तो बाल्टी के अंदर ऊपर का फेस ओपन रहता है जबकि वो बाकी सारे साइड से कवर्ड होती है. तो ऊपर का फेस ओपन करके हमको अपर फेस का सरफेस एरिया नहीं कैलकुलेट करना और बाकी रिमेनिंग पोर्शन का हमको सरफेस एरिया यहाँ फाइंड आउट करना है. ओके तो देखिए एक नीचे सर्कल बन रहा है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एक ऊपर सर्कल बन रहा है जिसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर. तो ऊपर वाले सर्कल का हमको सरफेस एरिया फाइंड आउट नहीं करना है, हमको सिर्फ एरिया नीचे वाले सर्कल का फाइंड आउट करना है. क्लियर है क्वेश्चन. तो देखिए हमको करना क्या होगा, मेटल शीट रिक्वायर्ड इक्वल टू हो जाएगा द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया, ये वाला जो एरिया है ये कर्व सरफेस एरिया है, और प्लस साथ साथ हमको उसमें ये नीचे वाला जो सर्कल है उसके एरिया को ऐड करना होगा, ये वाला. क्लियर. तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ कर्व सरफेस प्लस ऑफ एरिया ऑफ नीचे वाला पोर्शन का निकालना है तो हम यहां लिख लेते हैं एरिया ऑफ बेस. ओके तो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इनटू आर वन प्लस आर टू इनटू एल प्लस ऑफ नीचे वाले पोर्शन का हो जाएगा पाई आर वन स्क्वायर. ओके जो कि सर्कल के फॉर्मूले से ही सर्कल के एरिया के फॉर्मूले से ही निकला है पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पर पाई इसी क्योंकि रेडियस आर वन है तो पाई आर वन स्क्वायर. ठीक है अब देखिए इस पूरी जो सिचुएशन है उसके अंदर हमारे पास आर वन की वैल्यू है आर टू की वैल्यू है, हम पाई की वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास एल नहीं है. तो एल होता क्या है,
एल होती है स्लैंट हाइट, हमको ये फाइंड आउट करनी है। तो हम ये सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे। तो ये फाइंड आउट करने से पहले हम इसको नाम दे देते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर वन हुई। अब देखिए एल को फाइंड आउट करने के लिए हमको थोड़ा डायग्राम और समझना होगा, ठीक है। अब देखिए हम इस सेंटर को जो कि लोअर फेस वाला सेंटर है उसको अपर फेस वाले सेंटर से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमने कनेक्ट किया, ठीक। साथ साथ हम जो अपर फेस वाले सर्कल की रेडियस है उस पर लोअर सरफेस वाली रेडियस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये आ गया परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, ठीक है। अब इसके अंदर हमको इसकी हाइट गिवन है ना, हमको इसकी हाइट पता है, बट हमको ये लेंथ नहीं पता है। बट हम ये भी निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल लेंथ हमको गिवन है 15 सेंटीमीटर। अगर 15 सेंटीमीटर में से हम 5 सेंटीमीटर को सबट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग यही लेंथ बचेगी, ठीक। तो हमारे पास यहाँ हाइट भी है और ये डिस्टेंस भी है और साथ, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इस सलेंट हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने से पहले हम नेमिंग देते हैं। इस पॉइंट को नाम दिया हमने ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया सी, ये हमारा डी और ये ई, ओके। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग क्लियर है कि जो ए बी की लेंथ है वो सी डी के इक्वल होगी। तो चलिए इस कंटिन्यू करते हैं। फ्रॉम डायग्राम ए बी इक्वल टू है सी डी, जो कि कितना है, अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, 5 सेंटीमीटर, ओके। और डी ई, अगर हमको डी कैलकुलेट करना है तो डी इक्वल टू क्या होगा, सी ई माइनस ऑफ सी डी, ओके। तो यहाँ डी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, तो सी ई ए हमारे पास 15 सेंटीमीटर माइनस ऑफ सी डी जो कि है 5 सेंटीमीटर, तो डी आ गया हमारे पास फाइनली 10 सेंटीमीटर, ओके। तो हमारे पास ये लेंथ भी आ गई और जबकि हाइट हमको ऑलरेडी गिवन है जो कि है 24 सेंटीमीटर, हमको हाइट ऑलरेडी गिवन थी 24 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहां पर ट्राइंगल बी डी ई के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से डी ई को कैलकुलेट कर लेंगे जो कि होती है एल, ओके। तो पाइथागोरस थ्योरम अब मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ तो जो कि हो जाएगी एल स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑफ परपेंडिकुलर। अब इसमें से बेस और परपेंडिकुलर कुछ भी अपन कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल ये हाइट आ गई हमारे पास 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस ऑफ, हमने डी ई भी निकाल लिया है तो डी ई की वैल्यू है हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर, ओके। अब आगे सॉल्व किया, एल स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 576 प्लस ऑफ 10 का स्क्वायर हो गया 100, इन दोनों को हमने ऐड किया तो एल इक्वल टू आ गया 676, सॉरी एल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 676। और हम जानते हैं 676 किसका स्क्वायर रूट होता है, यस 26 का। तो हमारे पास यहाँ एल की वैल्यू भी आ गई है 26, हमारे पास एल आ गया है, आर वन आर टू ऑलरेडी गिवन थे तो हम इस फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट पुट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है, चलिए आगे सिर्फ हमको सिंपल वैल्यू पुट अप करनी है। तो हम जो निकाल रहे थे मेटल शीट रिक्वायर्ड इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया जो कि था हमारा पाई, पाई की जगह हम वैल्यू यूज कर रहे हैं, चलिए अभी पाई ले लेते हैं, पाई आर वन प्लस आर टू, आर वन है हमारे पास 5 प्लस आर टू है 15 इंटू एल जो कि हमने निकाल लिया है 26 प्लस ऑफ पाई आर वन का स्क्वायर, आर वन है 5 तो 5 का स्क्वायर, ओके। पहले से सॉल्व कर लेते हैं देन लास्ट में हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास पाई इंटू ये हो गया 15 प्लस 5 20 इंटू 26 प्लस ऑफ पाई इंटू
5 का स्क्वायर 25, ओके okay? अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 26 0 0 26 2 जा, ये हो गया 52 पाई प्लस ऑफ 25 पाई, तो 520 प्लस 25 ये हो गया 545 पाई। अब यहाँ हम पाई की वैल्यू पुट अप कर देते हैं जो कि हो जाएगा 545 इंटू 22 बाय 7, और जब हम इसे फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1712.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके आप इसे कैलकुलेट जरूर कीजिएगा, ये हमारे प्रॉब्लम नंबर 1 का सॉल्यूशन है, ठीक है। और प्रॉब्लम नंबर 2 थी हमारी, वाई वी शुड अवॉइड द बकेट मेड बाय ऑर्डिनरी प्लास्टिक। तो यस ऑब्वियसली ये चेंजेस आएगा इसमें, तो इसका भी हम रीजन देंगे, ओके okay? और प्रॉब्लम नंबर जो इसकी सेकंड थी उसका हम रीजन देंगे, देयर इज अ चांस ऑफ ब्रेक डाउन ड्यू टू स्ट्रेस ऑन ऑर्डिनरी प्लास्टिक। ओके क्लियर, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए।